और ये नारा सिर्फ सरकार के भरोसे सार्थक सिद्ध हो जाए ऐसा नहीं। राज्य हो या फिर देश, स्वच्छता पूरी तभी हो सकती है जब इसमें आम लोगों की भागीदारी भी पूरी तरीके से हो। उस दिन सरकार व्यावसायिक और रहवासी क्षेत्रों में सामुदायिक स्वच्छता कार्यक्रम भी चला रही है। सरकार औद्योगिक घरानों और व्यापारिक संगठनों को भी स्वच्छता कार्यक्रम से जोड़ रही है, उनसे अपील कर रही है। तो क्या नगरीय क्षेत्रों में भूपेश सरकार की व्यवसायिक और रहवासी क्षेत्रों में सामुदायिक स्वच्छता कार्यक्रम किस तरीके से चल रहे हैं, इस पर देखिए हमारी खास रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ राज्य के सभी नगरीय निकाय क्षेत्रों को स्वच्छ और सुंदर बनाने की कोशिश सरकार हर स्तर पर कर रही है। भूपेश सरकार ने स्वच्छता कार्यक्रम में आम लोगों को सहभागी बनाने का प्रयास शुरू किया है। विशेषकर व्यापारिक संगठनों और औद्योगिक घरानों को जोड़कर काम करने का प्रयास किया जा रहा है, क्योंकि स्वच्छ छत्तीसगढ़ का जो सपना सरकार ने देखा है उसे वह अपने स्तर पर साकार नहीं कर सकती। इसमें समुदाय का साथ होना जरूरी है। इसी के लिए व्यावसायिक और रहवासी क्षेत्रों में विभिन्न तरह के कार्यक्रम सरकार की ओर से सुनिश्चित किए गए हैं। नागरिकों में जागरूकता, प्रेरणा और स्वच्छता विकास में भागीदारी के जरिए संवेदनशीलता सुनिश्चित करना, स्थायी निकायों और निजी क्षेत्र की अधिक प्रभावी भूमिका के साथ सभी भागीदारों की सघन और दायित्वपूर्ण संबद्धता, स्वच्छता, स्वास्थ्य और पर्यावरणीय संरक्षा के प्रति सक्रिय दृष्टिकोण, सार्वजनिक, निजी, लोक भागीदारी खड़ी करना, समाज में स्वास्थ्य, स्वच्छता और साफ सफाई में सुधार के लिए परिवर्तनकारी तौर पर स्कूली बच्चों और शिक्षकों में जागरूकता पैदा करना, बच्चों को प्रमुख मानवीय संसाधन और विद्यालयों को ज्ञान केंद्रों के तौर पर विकसित करना, भारत में स्वच्छता को केंद्र बिंदु में रखते हुए समुदाय के संबंध में छात्र के पूर्ण व्यक्तित्व विकास और पर्यावरण के प्रति पूर्ण समर्पण की भावना पैदा करने के उद्देश्य के साथ विद्यालय स्वच्छता क्लब की स्थापना करना, औद्योगिक घरानों से वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, भूमि प्रदूषण रोकने की अपील, व्यापारिक संगठनों से पॉलीथीन, प्लास्टिक में पूरी तरह रोक लगाने की अपील, तालाबों, नदियों आदि में साफ सफाई कार्यक्रम, वृक्षारोपण सहित पर्यावरण संबंधी जागरूकता कार्यक्रम। और यही अपील लगातार मुख्यमंत्री भूपेश बघेल व्यापारियों और उद्योगपतियों से कर रहे हैं, ताकि हमारा गांव, शहर, प्रदेश और देश स्वच्छ रहे। वैसे बीते कुछ सालों में लोग स्वच्छता को लेकर बेहद जागरूक हुए हैं। महापौर प्रमोद दुबे का कहना है कि अब लोगों का भरपूर साथ मिल रहा है। रायपुर शहर में आम लोगों की बदौलत हम एनजीटी के नियमों को फॉलो करने लगे हैं। मुझे इस बात की खुशी है कि रायपुर के लोग इस विषय में काफी आत्ममंथन किया। उसी का परिणाम है कि आज हमारी सारी तालाबें, मूर्तियां जहां विसर्जित होती थी उसमें हमें पूरा सहयोग किया, जन भागीदारी के माध्यम से हम ये कर पाए। एनजीटी के जितने नॉर्म्स है उसको पूरा रायपुर शहर फॉलो किया है, ये बात निश्चित रूप से हम कह सकते हैं। हालांकि ये भी सच है कि अभी भी बाजारों में या अन्य सार्वजनिक स्थानों में कचरा करने में कोई कमी नहीं है। ऐसे में जरूरी है कि हम सब मिलकर सामुदायिक भागीदारी के साथ अपने आसपास के इलाकों को स्वच्छ रखें, एक सुंदर छत्तीसगढ़ बनाएं और नवा छत्तीसगढ़ गढ़ें। वैभव शिव पांडे, स्वराज एक्सप्रेस, रायपुर।